हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हैवेल्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9th जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें हैवेल्स में फ्राइडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.18% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1192.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल भी यहाँ पे मीडियम साइज की ऊपर के साइड में बारीक छोटी से हमें विक जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 5960 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर स्लाइड नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूवमेंट का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मूवमेंट जो थोड़ा सा अपसाइड के बाद डाउनसाइड का आएगा। स्टॉक में अपसाइड मूव जो है अराउंड 1204 के आसपास, 1204 के आसपास आएगा। फिर वहां से हमें डाउनसाइड जो देखने मिल जाएगा, डाउनसाइड में सबसे पहले स्टॉक आएगा 1184 के आसपास। अगर उसको भी स्टॉक क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में डाउनसाइड जो है वो इजीली 1165 के आसपास आते हुए देखने मिल जाएगा। जरूर जब इस चीज को ध्यान में रखते हुए चले, स्टॉक में यहाँ पे एक अपसाइड के बाद डाउनसाइड जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा कॉशियसली जो स्टॉक में काम करना है। बाकी यहाँ पे जो है स्टॉक में मैं आपको बता दूं, ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। तो इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आप जरूर ग्रैब कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है बाइंग करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक में कभी भी जो है मूवमेंट हमें जो है 1234 के ऊपर अगर दो दिन तक जो स्टॉक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर आप वहां पे बाइंग करें। वहां से आपको 5-10% का इजीली अपसाइड मूव जो है देखने मिल जाएगा। अगर स्लो मूवमेंट हुआ तो 10-15 ट्रेडिंग डेज जो है लग सकते, लेकिन फास्ट मूवमेंट हुआ तो 5 डेज के अंदर भी जो स्टॉक आपको 5-10% का इजीली रिटर्न दे देगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्टॉक को जो थोड़ा सा गिरने दे आराम से। यहाँ पे जो है स्टॉक हमें 1048 के नीचे कभी भी आए या फिर 1048 के आसपास जो आए तो वहां पे आप जरूर जो बाइंग कर सकते। लेकिन याद रखें, जो भी आपको इस स्टॉक में जो है यहाँ पे जो भी कैपिटल आपको जो एलोकेट करना है वो सारा का सारा 100% जो है ना डाले। यहाँ पे जितना हो सके उतना जो है 20-25% तक का ही आप डाले। क्यों यहाँ पे 20-25%? क्योंकि कभी भी यहाँ से जो है अगर आपको 10-20% का डाउनफॉल देखने मिले तो आपके पास कैपिटल हो जो यहाँ पे आप जो वापस से यहाँ पे एडिशनल बाइंग जो कर सके। और एडिशनल बाइंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एडिशनल बाइंग आप करोगे तो आपका एवरेज प्राइस जो कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म वाइज जो आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना आप जो है एवरेज प्राइस जो है यहाँ पे कम होगा उतना जो लॉन्ग टर्म में जब यहाँ पे अच्छा एक जो है अपसाइड मूव देगा तो आपके पास जो है कम प्राइस में जो अच्छा खासा जो शेयर जो है आपके पास होंगे और वहाँ पे आपको जो है अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस सारे के सारे मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें जो है नीचे के साइड में डेटा जो है कुछ यहाँ पे डिफरेंट देखने मिल रहा है, उसको यहाँ पे जरूर हमें चेंजेस जो है यहाँ पे जो देखने मिल रहा है वो जरूर करने चाहिए ताकि यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से अपना ट्रेड जो है वो ले सके। तो थोड़ा सा मैं जूम कर ले ताकि हमें मंडे के लिए इंपॉर्टेंट डेटा जो है क्लियरली यहाँ पे देखने मिले। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग यहाँ पे 1192 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1181 का,
डायरेक्ट रिएक्शन आता है 1193 का, तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से। डायरेक्ट रिएक्शन का जो एरिया होता है उससे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेसोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1172 का, उसके बाद कहता है 1166 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसोन के बाद का अगला रेसोन आता है 1199 का, उसके बाद कहता है 1205 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेसोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी गैप ऑफ ओपनिंग देखने मिल सकती है, फिर स्टॉक जो है यहाँ पे रिवर्सल दे सकता है और नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। तो मूवमेंट हम जो है यहाँ पे ओवरऑल जो ऊपर के साइड के बाद नीचे के साइड में आ सकता है और यहाँ पे ओवरऑल हमें जो है यहाँ पे मूवमेंट कैसा भी है नेगेटिव क्लोजिंग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे के दिन। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।